तो ये वीडियो है मेरी लास्ट ईयर की जर्नी की। तब मुझे व्लॉगिंग इतनी अच्छे से नहीं आती थी, तब मैं सीख रही थी। चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम एट अहमदाबाद एयरपोर्ट और ये है मेरा ट्रिप सिंगापुर के लिए। और मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ, मैंने बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। गेट मुझे देखना पड़ेगा कौन सा है, तो लेट मी चेक। हियर इज़ माई बोर्डिंग पास और मेरा गेट नंबर है आई गेस नॉट येट मेंशन नहीं किया है। मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, तो चलो अहमदाबाद का एयरपोर्ट दिखाती हूँ। मेरे पीछे है सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पे, तो अभी तो पता नहीं है कहाँ पे जाना है। मैं इधर बैठ के करूँगी रेस्ट। तो फाइनली आई एम गोइंग अप स्टेयर्स। आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस कि मैं इसकी वेट करूँ, तो मैं फटाफट चलती रहूँ। स्टिल वेटिंग फॉर टू अपडेट माई गेट एंड अभी तक तो वो अपडेट नहीं हुआ है, पता नहीं कब अपडेट होगा। मेरी मिडनाइट फ्लाइट है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है हाल। तो 15 ऑन टाइम, गेट नंबर 9 नहीं दिख रहा है। नॉट येट अपडेटेड। इट्स 11:39 और मैं अभी भी वेट कर रही हूँ मेरी फ्लाइट का। और गेट नंबर है 1, गेट के पास मैं आ चुकी हूँ। सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरे पीछे और मैंने यहाँ पे खाना खाया है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे जेट प्रिविलेज वाला HDFC वाला कार्ड नहीं चलता है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो हंस रहे हैं मेरे पास सुन के। एक्चुअली आई एम ब्लॉगिंग, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, बट गुड मॉर्निंग और आई रीच एट सिंगापुर एयरपोर्ट एंड दिस इज चेंगी एयरपोर्ट। आई शो यू एयरपोर्ट टुडे।
So finally I reached immigration. I'll share you what questions they have asked. इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा था। Here is my luggage. ये ATM है सिंगापुर के। ये सिंगापुर की क्लार्क की एरिया है जहाँ पे लोग शाम को टहलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी सारे लोग वॉक पे जाते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है शाम के वक्त। दिन में भी यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है और सारे यंगस्टर्स और सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे चलने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये सिंगापुर फ्लायर है जहाँ से आप सिंगापुर का पूरा व्यू देख सकते हैं। कांच के केबिन्स बने होते हैं और जो पूरा काफ़ी ऊपर तक ऑलमोस्ट 60 मीटर्स तक इसकी हाइट तक ये जाता है और वहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से आता है। इसकी टिकट्स हैं $33 एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए शायद $25 है। और ये जो नज़ारा है ये सिंगापुर के मरीना बे सैंड ऑब्जर्वेशन डेस्क से है। यहाँ जाने का परफेक्ट टाइम है शाम के 5 बजे के करीब। 5 बजे आप डे व्यू देख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है और जैसे जैसे शाम ढलती है इस तरीके का कुछ नज़ारा आपको देखने मिलेगा। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी एक एक बिल्डिंग्स जगमगानी शुरू होती है और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा जगमगाती हुई लाइट आपको बेहद ब्यूटीफुल नज़ारा देगी। जैसे कि ये शाम के 7 बजे का व्यू है और जैसे जैसे 8 बजेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। ये स्काईलाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है और जैसे जैसे इसको आप देखना शुरू करोगे आपको यहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा। और जहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे रात को एक लेज़र शो ऑर्गेनाइज होता है। वो लेज़र शो भी बहुत ही सुंदर होता है जो कि नीचे से आपको देखने मिलता है, लेकिन मैंने ऊपर से कुछ वीडियोज़ ली हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से होता है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पहुँचने की टिकट $19 एक जन की होती है और सिंगापुर डॉलर हमारे इंडिया के 50 रुपीज़ के बराबर होता है, 50 से 51 के करीब। आप जब जाएंगे आप एक बार रेट चेक कर लेना। ये लेज़र लाइट है, इस तरीके के कुछ शो वहाँ पे चलते हैं। ये नज़ारा है सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड का। सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए आप वहां से मेट्रो ट्रेन ले सकते हैं जो कि आपको पहुंचा देगी सेंटोसा आइलैंड। वहां पे बेहद खूबसूरत बीच है, वहां पे यूनिवर्सल स्टूडियो है और आप अगर पीस लविंग पर्सन हैं तो आप इस जगह को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बीच और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आपको जैसे जैसे ये वीडियो आगे चलेगी आप देख सकते हैं।
पिछले साल की है, तब मुझे व्लॉगिंग अच्छे से नहीं आती थी, हालांकि मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। तो अगर आपको इसमें क्वालिटी में इतनी ज़्यादा खुशी ना मिली हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं आगे से अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। पर अभी मेरे पास कोई और वीडियोस नहीं थी ट्रैवलिंग वाली, तो मैंने पुरानी सारी वीडियोस को इकट्ठा करके उसका ब्लॉग बनाया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा उससे, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।